नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ने किया अपमान, संविधान बदलने पर क्या बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में 400 सीटें हासिल करने के बाद संविधान बदलने के आरोपों पर अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में अभी भी 2019 से 2024 तक 400 सीटें हैं। हम जीत कर एनडीए को मिलाकर 360 सीटें लाए थे और एनडीए को मिलाकर 2019 से 2024 तक लगातार 400 सीटें रही है, इसलिए 400 सीटों को संविधान बदलने की बात से जोड़ना मूर्खता है। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि सवाल ये है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग लोकसभा और राज्यसभा को चलने ही नहीं देना चाहते। दुनिया जब 400 सीटों को देखती है तो उन्हें लगता है कि हाँ कुछ बात है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का क्या किया, ये संविधान की बातें करते हैं, कांग्रेस के संविधान का क्या हुआ। मैं पूछता हूँ, क्या गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी के संविधान को स्वीकार करता है? यदि आपको याद होगा कि पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन नेहरू जी को टंडन जी मंजूर नहीं थे। फिर नेहरू जी ने ड्रामा किया और बोले कि मैं कार्य समिति में नहीं रहूंगा, क्योंकि उनको पुरुषोत्तम दास टंडन से परेशानी थी। आखिरकार कांग्रेस पार्टी को चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाना पड़ा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, रातों रात पार्टी कार्यालय से उठाकर बाहर फेंक दिया, जिसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करते हैं। संविधान बदलने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान की बात बोलने का हक कांग्रेस को है क्या? मैं कहता हूँ कि जो पहला संविधान बना उसकी एक आत्मा और शब्द भी है। पीएम ने बताया कि आत्मा क्या थी। संविधान निर्माताओं ने बड़ी बुद्धिमानी की थी कि जो लिखित में चार्ज रखी जाएगी वो वर्तमान और भविष्य के लिए होगी, लेकिन हमारा एक भूतकाल भी है और हमारी विरासत भी है। पीएम मोदी ने कहा कि उसका क्या करेंगे, तब तो संविधान बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने संविधान को चित्रों में मढ़ा। ये सारे चित्र भारत की हजारों साल की विरासत है, जैसे रामायण महाभारत, ये सारी चीजें उसी में है। उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू ने संविधान की इस पहली पर्ती को कचरे के डब्बे में डाल दिया और बाद में जो संविधान छपा उसमें से इन चित्रों को हटा दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की आत्मा का प्रहार किया। उन्होंने बताया कि संविधान का पहला बदलाव पंडित नेहरू ने अभिव्यक्ति की आजादी पर किया। इसके बाद उन्होंने आर्टिकल 356 का गलत इस्तेमाल करके देश में चल रही सरकारों को तोड़ा, फिर इमरजेंसी लेकर आए। पीएम मोदी ने कहा कि पहले नेहरू जी ने, फिर इंदिरा गांधी ने किया और फिर राजीव गांधी आए। राजीव गांधी तो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ ला रहे थे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इसके बाद उनके बेटे सहजादे वो सिवाय सांसद के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने यूपीए 2 के तहत कैबिनेट के फैसले को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग संविधान की बातें करते हैं, ये वही चारा चोर जिन्हें बीमारी के कारण जेल से बाहर आने की परमिशन मिली है, वो संविधान की बातें कर रहे हैं। जब संसद में महिला आरक्षण बिल आया था तो संसद के भीतर उन्होंने बिल की कॉपी को छीन कर फाड़ दिया था।